क्या मीमो कौन बना के लाया इतने सुंदर सुंदर नाइस थैंक यू मिमी जब मोटी हो जाएगी तो मिमी को परफेक्टली आई वाज टोल्ड कि मिमी टाइट नहीं पहनती है सो आई सेड कि थोड़ा सा खुला बनाते हैं आपने राजा के लिए नहीं बनाया राजा मुझे मारता है नोटिस किया कि सिर्फ मिमी ने नहीं पहना मिमी ने नहीं पहना है एक्चुअली और अगला चार्ली के लिए बनेगा ओ नाइस बिकॉज़ चार्ली ने भी नहीं पहना ये हैंडमेड है कैसे किससे बनाया है कौन से मैं क्रोशिया करती हूं क्रोशिया जो दादी हमारी स्वेटर सिलती थी उस टाइप से आपने बनाया है ये भी ये तो फेवरेट है इनका यहां पे छोटा बेबी है वो हाय बुच्ची लड़की लड़की हो गया वो थैंक यू बोल रहा आपको इसने ऐसा क्या किया भाई ये डिजर्व करने के लिए ये थोड़ा वो मेरे दिल के करीब है नहीं ऐसा है वैसे भी कुत्ते लोगों के दिल के ज्यादा करीब है तो ये तो खाए नहीं जाते नहीं नहीं चार्ली मेरे सबसे करीब है आजकल और अगर मैं घोड़े कुत्ते भी नहीं खाते सिर्फ बेचारे बकरे और ये क्या नाम है आपकी मुर्गियाँ चार साल पहले उसकी अडॉप्शन हुई थी यहाँ से अब वो लोग केयर नहीं कर पाते हैं तो फिर हमने उसको वापस यहाँ पर शिफ्ट करवा लिया अभी स्कूबी का भी सर्जरी था ना कैस्ट्रेशन का तो उसमें भी ऑक्सीजन का इशू आ रहा था उस टाइम पे तो इमरजेंसी में ऑक्सीजन वगैरह वाला सारा काम हो गया हमारा अभी बस चेक कर रहे हैं और इसको भी ऑब्जर्वेशन में ही रखना पड़ेगा जब तक ये कम्प्लीटली होश में नहीं आ जाता सर क्या चल रहा है इसका आफ्टर सर्जरी ट्रीटमेंट ठीक है कोई डिस्चार्ज नहीं है कोई पेन नहीं है और ठीक है माइल्ड सी स्वेलिंग है और वो नॉर्मल ही है और बाकी तो ठीक चल रहा है तारा जो कि स्प्रे के लिए ज्वालामुखी से आए थे ना चार डॉग्स उसमें से एक सबसे ओल्ड डॉग है जिसकी भी कंडीशन ठीक नहीं है तारा बहुत बूढ़ी है उसका दिल थोड़ा कमजोर है तो क्योंकि उसका सर्जरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बहुत ज़्यादा सेस था शायद थोड़ा ट्यूमर था उसका यूट्रस का ऊपर तो थोड़ा लंबा उसका सर्जरी तो बाद में शी हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीदिंग उसको भी अभी इमरजेंसी में सर्जरी जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद उसको अंदर शिफ्ट किया गया ऑक्सीजन के लिए इसकी फ्लूइड थेरेपी चल रही थी एक तो वीकनेस बहुत है डॉग में ओल्ड है पे सर्जरी हुई अंदर सिस्ट था है ना मल्टीपल नहीं नहीं बच्चा नहीं नो नो बेटा नो ओके अच्छा चली गई वो तो क्या मतलब मैं ही तो दी तू जा स्मार्ट ना बन नाउ यू आर है नाउ हैप्पी थोड़ी सी ले हैं थोड़ी सी स्टीम ले लेते हैं ठीक है शी शी लुक स्टेबल अभी है ना वेल थोड़ा थोड़ा बेटर आई एम गोना गो विद द वर्ड बेटर क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया भाई साहब जो भी है ये वायर टच हुई है ना इलेक्ट्रिसिटी वाली तो ये पेड़ वगैरह को अभी टच मत करना पेड़ तो गुड कन वो होता है ना लकड़ी में तो करंट मना कर रही हूं जब इन लोगों को तो तुम भी करने दो ना मेरे को नीला है ना इसको रहने दो ऐसे सुखा थोड़े ओके मैं पास तो जा सकता हूं नहीं छू के देखो तुम तो मेरे को तो तुम तो छू के देखो ये वाला ये वाला ये यहां पे आया तो बकरे डायरेक्ट करेंगे ये ब्लॉक करवा दो ताकि बाय चांस जल्दी से चला जाए तो बाहर में जाए तो इसी वाले को फोन कर दो क्योंकि वो तार टच हो गए सारे करो करो जल्दी करो पेज से ब्लॉकेज करेंगे अब बाकी तो अनिरुद्ध और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आ जाने शॉपिंग इसकी हिमांशी की बैग जरूरी है चोट तो ठीक हो गई ना इसकी काफी हद तक नहीं जो बून है वो ऐसे जगह पे है ना कि तो ब्लीडिंग बड़ी ज्यादा हो रही है मक्खियां बैठ रही है हम कोशिश कर रहे हैं पूरे हर तरीके की बैंडेज कर दी हमने इसको प्रेशर बैंडेजिंग की ब्लीडिंग रोकने के लिए कवर्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी इतनी मक्खियां है ना कमजोर भी है ना बहुत कमजोर है ओल्ड है, old है तो क्या बॉडी वो भी नहीं कर पाती ना जल्दी कोप भी नहीं कर पाती इतना ब्लड लॉस है ना तो सारे सपोर्टिव वो दे रहे हैं हम लोग इंजेक्शन सप्लीमेंट बट अभी स्लो है चल रहा है
नवीन भाई हुआ शांति है मिट्टू? नहीं नहीं हुआ ना, आगे जाने पे मारता है अभी, इसको उठा दिए था साहिल को। साहिल तेरे मारा मिट्टू ने? ये कह रहा नवीन मारा। चलो मैं आके जख्म देखता हूँ आपका। आपको मिट्टू ने मारा है? बेहोश तो नहीं हो गए? अरे मैं बुलाऊं? अच्छा होश में हो क्या? सच में मारा क्या उसने? हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। ब्रेन आपके साथ कंफर्टेबल है मैंने सुना? ब्रेन हाँ, हम बैठ के मस्त गाने गाते हैं, गाने सुनते हैं। अच्छा खाना खाते हैं। सही, आज हमें भी सुनाओगे गाने? चलो। हाय ब्रेन। हाय बाबू। किसी बायोप्सी होनी है? होने वाली थी कल पर कैंसिल हो गई। काफी खराब स्किन कंडीशन थी इसकी दो हफ्ते पहले ही, पर अभी राधा जी ने मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया इसका, मतलब रोज सारा स्कैब्स निकाल के क्लीनिंग करके कि अभी स्किन इज लुकिंग मच नाइसर। बायोप्सी हम इसकी कैंसर के लिए कर रहे हैं ना, ये जो कैंसर तो नहीं है, डिटेक्ट करने के लिए कि अंडरलाइंग स्किन कंडीशन है क्या एग्जैक्टली, क्योंकि अभी हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो जनरल ट्रीटमेंट है स्किन के लिए, पर अगर आइडेंटिफाई हो जाएगा और हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे तो उसका रिलैप्स होने का चांस बहुत कम है। थोड़ा प्यार देता हूँ मैं इसको। पहले से तो मैं थोड़ा चिल हुआ है, पहले तो मैं थोड़ा सैड सा रहता। पहले तो वो देखता भी नहीं था मुझे। अच्छा। अभी धीरे धीरे आई कॉन्टैक्ट हो रहा है। पहले बहुत शिवरिंग होता था, शेकिंग होता था इसको स्ट्रेस की वजह से, अभी मतलब बिल्कुल शेक नहीं हो रहा है। ये देखो वो लगी इसको फिर से कैसे हो रहा है, ये सब कुछ देखो। शायद सल्फर बात से इसकी स्किन जो बहुत ही सेंसिटिव है ना, थोड़ा सा इसको रिएक्शन हुआ है तो हम अभी स्टॉप कर रहे हैं मे बी। चाचा ये लेजर है क्या नाम इसका? लेजर ना। चोट तो काफी इसकी बेटर होगी ना? हाँ जी हाँ जी। आपने ऐसे हील करी, चोट ही नहीं दिख रही मेरे को तो। छुपा दी बस, ये हल्का सा रह गया इसका। फिर तो ये लेजर तो रिलीज के उस पे होगा ना, कतार पे? कतार में क्या, यहाँ कतारें लगी हैं रिलीज की? हाँ मतलब रिलीज के लिस्ट में होगा ना भैया, रिलीज के लिए रेडी है, रेडी होने वाला है ऐसे बोल सकते हैं आप, रिलीज के लिए रेडी होने वाला है ना। हाँ। कितने दिनों में? यही एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद है? आपका टूर बन गया एक हफ्ते बाद, टेंशन मत लो। चलो मैं राजकुमार की विशिंग कर रही हूँ, उसको नया लुक दे रही हूँ, देखो कितना सुंदर लग रहा है आज ही। बाल काटे हैं तुमने उसे? नहीं ब्रश किया। दिस इज राजकुमार बिकमिंग अ मैन। राजकुमार बिकमिंग अ मैन। सारे बेबी हेयर ना अब जा रहे हैं। अच्छा जो बेबी हेयर कौन से होते हैं? ये देखो सारे हेयर, ये जैसे अब नया कोट आएगा ना इसका। अच्छा पुराने जा रहे हैं। हाँ और नए आ रहे हैं। ये बड़ा हो गया? ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे ना, अब हमारा राजकुमार बड़ा हो रहा है और इसको बड़ा मजा आ रहा है लग रहा है इसको देख के इसके आंखों में। आप रूबी के केयरटेकर्स? आप नहीं पूछते यहाँ पे लोरोक्सिन लगाना है, ठीक है? लोरोक्सिन एक ऑइंटमेंट होता है, ये बचा बस थोड़ा सा ही है, काफी कम हो गया पहले से। एक तो उसका जो एम्पुटेशन सर्जरी हुआ था है ना, और उसकी बोन निकल आई थी, और दूसरा उसका था इंटेस्टाइन की जो स्पेस सर्जरी का जो सूचर साइट था वो ओपन होने की वजह से उसका इंटेस्टाइन पूरा बाहर आ गया था। पोस्ट ऑप केयर के लिए वो हमारे पास यहाँ रही थी है ना, दोनों चीजें बहुत अच्छे से रिकवर हुई। बढ़िया टाइम बताया उसने आपने? वो भी तो एंजॉय पूरा एकदम कंप्लीट एंजॉय किया है उसने, हर एक पर्सन के साथ अलग अलग टाइप का उसका बॉन्ड था। सही, मेरी तो फेवरेट थी। दीदी आप मिस करोगे रूबी को? हाँ, कि सुबह कैसे रात को भाग जाती है और सुबह चेयर पे बैठी होती है मैडम ने कहा है। भाग जाती है। इसने क्या किया, केस खोल लेती है और आज जब हम सुबह आते हैं ना तो चेयर पे बैठती है, सोई होती है आराम से, और जब इसको हम उठाते हैं तो ऐसे लेट जाती है कि मैंने नहीं जाना ना केज के अंदर, मुझे यहीं रहने दो। तो ये आपकी पेट कैट थी? मीन मुन्नू है। नहीं स्ट्रे थी। अच्छा। पर हमारे पास ही रहती थी। चले घर। साहिल भाई ये शंभू है ना शायद? नहीं शंभू नहीं है, फिर कौन है बताओ ना? शंभू ना, जिसके उसमें पेट में से आपने बहुत सारी गोज निकाली थी उस दिन। हाँ भैया। कैसी होगी इसकी चोट रिकवर? अभी तो बेटर है। जब लाए थे पूरे फटे हुए थे ना इसके दोनों कट्स। हाँ। तो काफी कट्स फटे होते हैं। हाँ मतलब बहुत है तो बहुत गंदा हाल थी ना इसकी, पेट बोल सकते हैं। हाँ मतलब पेट फटा हुआ था, पेट कट नहीं फटे हुए थे। अब तो काफी बेटर लग रहा है। विकी तेरी थंबनेल के लिए फोटो लेनी है 60 सी। पोर्ट्रेट में फुल लीजिएगा। अभी मतलब रोल प्ले कर रहा है ना?
बहुत बहुत दुखी हुआ तो किसकी सर्जरी प्लान हो रही है? विक्रम जो अग्रेसिव डॉग योल से रेस्क्यू किया था साहिल पशुवालिक ने पशुवालिक टीम बहुत ही खतरनाक डॉग को पकड़ने पूरी फोर्स तैयार हो चुकी है। ये बाबू कहाँ गए बच्चे बता दिया क्या हो गया? Shut up यार अभी तो वो ग्राउंड it's okay इधर आ जा नेट से कर लो नेट में वो काम वो पिछली बार भी जब आया था नेट में बिल्कुल शांत था ना कौन से प्रेशर गेट पे हूँ हाँ गेट पे हूँ क्या कर बोलो इंजेक्शन का है हो गया सर बेहोश हैं बेहोश हो कंपलीटली सिगरेट हुआ है नहीं बेहोश नहीं सिगरेट हुआ मैं सुस्त हो गया ना सुस्त हो गया चल क्यों हो गया मेरा काम हम न्यू कैट का क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं न्यू कैट नहीं 3 दिन अभी हाँ मतलब ब्लैक कैट का अबैंडन कैट था बहुत पतली बहुत कमजोर थोड़ा एनीमिया है फ्लीज था वर्म्स था बाकी थोड़ा डायरिया था लेकिन अभी सब ठीक है तो हमारा उम्मीद कि अडॉप्शन के लिए अडॉप्शन वी होप तो चिल कैट है ना शी इज वेरी क्यूट यू वांट टू अडॉप्ट हर विक्की इज गोना अडॉप्ट द कैट ऑसम सॉरी मैं अब तो नहीं हालूंगा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले फार्म में एक बच्चों के डॉक्टर आए थे उन्होंने हमें बताया कि बच्चे मोटे क्यों जाते हैं इसका हम पूरा वीडियो बना के अलग से डालेंगे बट इस वाले व्लॉग में हम उसका 3 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसके बाद शरारती तत्व अच्छा बेटी जी से मिलना है फॉर्चूनेटली उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इतने हो गए ना शी इज टर्न्ड इनटू टॉक टू माय मैनेजर बेटी जी बहुत बुरी कर रही है मेरे हाथ खा लेंगी आप लोग वेज हो नॉन वेज मैं वेज हूँ बेटी जी गलत टारगेट चुन रही है उधर ही चलते हैं यहाँ हल्ला एक डालते रहेंगे बचपन में मुझे ऐसे ही कुछ करने की तो बहुत मन थी कि एक फार्म हो एनिमल्स हो बचपन मतलब जब मैं 5-6 साल की थी तब से मुझे सपना है कि मेरा एक फार्म हो एंड आई वॉज बॉर्न नॉन वेजिटेरियन मैं बंगाली फैमिली से हूँ सो आई गेव अप व्हेन आई वॉज इन 7th-8th स्टैंडर्ड तब जब मुझे समझ आया कि कैसे आते हैं खाने घर पे नॉन वेज आप क्योंकि बच्चों के डॉक्टर हो आप मुझे बताओ कि बच्चों के लिए दूध जरूरी है इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड ओबेसिटी बच्चों के मोटापे एकदम छोटे छोटे बच्चों में ही मोटापे होते हैं मेन रीजन बीइंग क्योंकि अभी भी उनको यू नो भैंसी के दूध भी पिलाते हैं मतलब दैट इज नॉट हेल्दी एंड आयरन के लिए कैल्शियम के लिए मिल्क इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ठीक है आप अगर प्रोपोर्शन आप वेजिटेरियन अगर हो दूध भी मैं घटा देती हूँ ठीक है तो इफ यू मतलब आपने अगर सारे बीन्स प्रोडक्ट ठीक है सोया प्रोडक्ट फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो साउथ में बहुत चलती है डोसा इडली वो सब अगर प्रोपोर्शन में खाते हो और फैट डाइटिंग कुछ नहीं करते हो बच्चों के लिए वो दैट इज मोर देन सफिशिएंट आयरन के लिए भी कैल्शियम के लिए भी मैग्नीशियम के लिए भी जिंक के लिए शिवानी बाय द वे हाय आई हैव सीन यू टू गाइस अ लॉट हाय सीरियसली यू आर आई एम दिबारती हम बैंगलोर से आए हैं माय बर्थडे वाज ऑन 31st तो मैंने थैंक यू तो मैंने उसको बोला था कि यही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा मुझे पीपल फाउंड ले चलो जैसा वीडियो में देखा था वैसा लगा आपको हाँ उससे भी बेहतर लगा मतलब छोटे छोटे पार्ट करके हम देखते हैं ना बेटी जी को देख रहे हैं ये मड हाउस बनने हुए देख रहे हैं लेकिन कहाँ पे है क्या है अभी सारा देख रहे हैं शी वांटेड टू बी अ वेट तो उसके पापा थे जो कि बहुत अगेंस्ट है क्योंकि अरे मिस कर गए हमें तो अच्छे वेट चाहिए आप दूसरी टीम में चले गए अभी जब आप बच्चों को ट्रीट करते हो तो आप कान में कह सकते हो ना कि आपको बड़े होकर वेट बनना चाहिए ऐसा करते हैं बहुत सारे बच्चे आते हैं मतलब उन नेचुरली दे आर कंपैशनेट ठीक है मतलब सिखाया जाता है कि ठीक है इट इज ओके टू किल फॉर आई मीन फॉर फूड ये सब लेकिन बच्चे कंपैशनेट ही पैदा होते हैं तो एक दो बच्चे तो रेबीज वैक्सीन के लिए ऐसे आए थे कि मतलब स्ट्रे एनिमल है कहीं पे फंस गई थी तो उसको बचाते टाइम स्क्रैच लग गया होगा या फिर काट ली होगी ऐसा वाले ऐसे बच्चे भी आते हैं तो हाँ दैट इज इंस्पायरिंग कि बच्चे ऐसे वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप मुझे फिर से करना है आप मुझे वैक्सीन दे दो मुझे कोई वो नहीं है रोते भी नहीं है हाँ तो ऐसे बच्चे भी आए हैं मेरे पास हाँ हमें तो ट्राइपॉड पे शूट करना है
वेनु आपने बीच में बात काट दी उनकी, अच्छी खासी चल रही थी। देखो भाई, पास से ज्यादा जरूरी होता है जानवर की जान बचाना। बाहर से मेहमान आते हैं, ये सब देखेंगे, ये देखते हैं कितने गंदे लोग हैं यार। यार BTS ले रहा था मैं। रहने दो तुम BTS। वेनु यार, मेरा टास्क है कि हर बार BTS लेते रहो। BTS कितनी बार जाता है शिखर भाई हफ्ते में? वैसे आइडियली एक बार। आप कितने ले चुके हो? आप मेरे हिसाब से तो पूरे साल के BTS एक बार में ले चुके हो ना। वो बढ़ते थे आप फोन की स्टोरेज भर रहे हो अपने। अब वो चीज़ जो आप दिखाना चाह रहे हो वो ऑलरेडी हम कैप्चर कर रहे हैं अलग कैमरे, बट नहीं, मेरे को तो अपने कैमरे में दिखाना है। पर ये मूवमेंट तो कैप्चर नहीं हुई किसी और कैमरा में। तो गाइज, ये हमारा बुलक्कड़ कुणाल द एडिटर, ये कुछ भूल गया था पिछले ब्लॉग में डालना, तो ये उसका पश्चाताप कर रहा है इस वाले ब्लॉग में। क्या मैं पिछले बार एक क्लिप डालना भूल गया था, तो मैं अभी वो क्लिप ये ब्लॉग में डाल रहा हूँ, तो प्लीज पूरा देख लियो। ओके गाइज, पूरा देख लो। क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ भी, बहुत कुछ हुआ लेकिन जो हम करने गए थे वो नहीं हुआ। पहले तो रास्ते में हमें एक बछड़ा दिखा जिसे एक घंटा पहले ही जन्म दिया था उसकी माँ ने। फिर उसे हमने खाना खुना दिया, उसके लिए पानी का अरेंजमेंट किया। फिर के ऊपर याक थी नहीं, फिर कुछ दिन के लिए याक नहीं है। फिर हमने केले खरीदे उसी गाय के लिए, केले खिला रहे थे उसको, एक बड़ा सारा झुंड आ गया गाय बैल का। फिर नीचे आ गया चढ़ी में, किसे दिखा? तुम्हें दिखा ना बैल रस्सी बंधी हुई, दौलत राम जी को देखा कि भाई बैल की रस्सी बंधी हुई। फिर हम रुक गए, उसके पीछे घूमते रहे, यहाँ से टीम आई, फिर उसका रेस्क्यू हुआ, उसकी रस्सी काटी, खोल ही दी दौलत राम ने, खोल दी, काटी दी। बहुत बड़ा है उसका विक्की, जो सींग से पकड़ लेना चाहता था उसको, सर रोक रहे थे उसमें, बस इसीलिए रुका बस। तो विकी आज वो एक्टिंग करके सर को गुस्सा नहीं दिखा पाया अपना, तो किसको गुस्सा दिखाना, गुस्सा तो था ही नहीं, तो गुस्सा नहीं होना था कि विकी मैंने इसको देखा नहीं कभी गुस्सा करते हुए। इसमें गुस्सा क्या होता है? मैं मतलब सीन पकड़ रहा हूं गुस्सा नहीं, याद के सामने याद थी का मतलब तैयारी करके गया होगा ना पूरी कि आज पूरा जोश जलवा दिखा दूंगा अपना मैं। नहीं नहीं हो पाएगा चलो भाई, आपसे यार मेरे BTS खराब करता तू हमेशा। पर ये ऐसा ही है, बीटी ऐसा ही है यार। ओह शिट, कोई बात, एक दिन आएगा जब आपसे हो जाएगा। एक दिन आएगा, तुमको पता है मेरा दिल कहता है कि एक दिन आएगा। अब वो एक बस हो गया इतने का, कोशिश पूरी रहती है, दुख बड़ा होता है कि टीम सहयोग नहीं देती। सहयोग देती है लेकिन तब जब आगे वाला बंदा कुछ करे ढंग का। देखो सहयोग मेरे BTS में से टीम, मेरे BTS में से एस, मेरे BTS में से टीम एस निकाल के मुझे सिर्फ BT देती है। बहुत बुरा। पहली बार आप सहयोग की बात कर रहे हो ना, आप टीम से टीम को सहयोग देते हो? ऑफिस तो बंद होगा, देते हो? नहीं, कितना होगा? आप सहयोग दो, सहयोग मिलेगा क्रिस्टल के लिए। You support him? पता नहीं, बस मजा आया। अरे छोरा मन ने धमका रहा है, क्या कह रहा था भाई तू? ये कह रहा है कि अगर आप वीडियो लाइक नहीं करोगे तो मैं ऐसे ही क्लिप डालना भूलता रहूंगा। न्यू करेगा भाई तू, क्लिप को नहीं डाले तो भाई माफ कर दे। आ